सो हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक इन माई न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है 4 PM में, और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं अपने घर का राशन लेने, क्योंकि हमारे घर का राशन हो गया था ख़त्म। तो चलते हैं, आपको मिलते हैं ग्रोसरी स्टोर पे। तो गाइस, मैं अभी अपने कैली को घुमाने के लिए आया हूँ, और अभी मैं दिख रहा हूँगा ये। अब मैंने मुंह में टॉर्च लगाया था इससे। तो गाइस, अभी हम अपने कैली को घुमा के तो आ चुके हैं, और अभी हम थोड़ा पढ़ाई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस, दिस इज द नाइट, और अभी बज रहे 7 AM, और अभी मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ, और ट्यूशन तो मेरा 6 बजे का था, इस वजह से मैं पहले ट्यूशन पढ़ गया। फिर मैं अगर ब्लॉग बनाता तो मैं ट्यूशन के लिए लेट हो सकता था, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। और अभी चलते हैं हम अपने PC को साफ करने, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, अभी मैंने अपना PC भी साफ़ कर लिया, और जो मैंने पार्ट्स मतलब धूप पे सुखाने रखे थे वो मैंने सेट भी कर लिए हैं। और अभी मैं आया हूँ छत पे, और मैंने नहा भी लिया है, और अपने थोड़ा छत पे धूप सेकने आया हूँ, कि यहाँ बहुत ठंड हो रही है। अगर आपके वहाँ पर भी ठंड हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइस, वहाँ पर देखो धान कैसे कट रहे हैं, देखो मशीन लग रही है यहाँ पर, ये मशीन वहाँ लग रही है, देखो कुछ इतने धान काट लिए है। और अभी पीछे को वो वहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के बच्चे हैं एक तो थोड़े, और थोड़े यहाँ के बचे हुए हैं, अभी इतने थोड़े यहाँ के भी बचे हैं, बस फिर उसके बाद सब कट जाएंगे। और फिर ये वहाँ जहाँ पे मतलब इनका वो होगा वहाँ पे ये छोड़ देंगे, पहुँचाने वाला होगा, मतलब जहाँ इनको रखने होंगे वहाँ ये छोड़ देंगे। अब वो जो ट्रैक्टर लगा है वो उसके लिए लगा है, वो धान को ले जाने के लिए, वो अब वहाँ पे धान उसमें भर गया होगा पूरा, तो इस वजह से वो अब जहाँ उनको छोड़ना होगा ये धान, तो वो वहाँ पे छोड़ देंगे, फिर इसको सेल कर देंगे। सो गाइस, अभी सबसे मेन चीज़ तो मैं भूल गया हूँ, अपनी पूरी YouTube फैमिली को तो मैं विश करना भूल ही गया हूँ। मेरी तरफ से मेरी पूरी YouTube फैमिली का हैप्पी दिवाली, और हैप्पी गोवर्धन पूजा, और हैप्पी भैया दूज, और हैप्पी धनतेरस, और जिसके बाद छठ होती है उसके लिए भी हैप्पी छठ पूजा। सो गाइस, अभी वजह शाम की 6, और मैं उसके बाद चले गया था साइकिल की सर्विसिंग कराने, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। और अभी हम शुरू करते हैं ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग तो कुछ बना नहीं, अभी बस 3-4 मिनट का ही बना, उससे ज़्यादा नहीं, तो बनाते हैं ब्लॉग को, चलो। तो दोस्तों, अभी मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ, वो बात यह है कि ये जो त्यौहार है ये दिवाली का है, और दिवाली में लोग कपड़े अपने वाले बनाते हैं, और पूजा का सामान लेते हैं, और नई नई चीज़ें खरीदते हैं। और सबसे मेन बात, कोई ख़रीदे कुछ, या ख़रीदे या ना ख़रीदे, लोग पटाखे बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, जिससे हमारे इन्वायरमेंट में बहुत वो प्रॉब्लम होती है, जिससे कि हमारा ओजोन लेयर भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पटाखे तो ना ही ख़रीदे, और मतलब जो मेरे यूट्यूब फैमिली वाले हैं उनसे तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप पटाखे ना ख़रीदें, और ख़रीदे तो एवरग्रीन वाले ख़रीदे, जिससे कि हमारे इकोसिस्टम को या इन्वायरमेंट को हानि ना पहुँचे। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप समझदार हो तो पटाखे मत फोड़ना बस, और मेरी बात का पालन करना। और आप ये सोच रहे होगे कि खुद तो क्या है, ये खुद तो गन बांट रहा है और इसके पास तो खुद के पटाखे, तो गाइस ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी पटाखे अभी है नहीं, मैंने भी खुद नहीं ख़रीदे, क्योंकि मैं इको फ्रेंडली दिवाली मनाना चाहता हूँ।
सो गाइस, आप लाइट्स वाइट तो लगा सकते हो और दिए भी जला सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है, बस आप पटाखे मत जलाना। और गवर्नमेंट आजकल बहुत वो हो गई है, मतलब सो गाइस, आप लाइट्स वाइट लगा सकते हैं और दिए भी जला सकते हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि दिए मत जलाओ, लाइट्स में लगाओ, पर पटाखे मत जलाओ। और जो आजकल के फार्मर्स हैं, जैसे कि जब उनकी धान या गेहूं की कटाई होती है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको जला देते हैं, जबकि गवर्नमेंट ने उसे मना कर रखा है जलाने के लिए, पूरा बैन लगा रखा है, तब भी लोग जला देते हैं, मतलब लोग नहीं, फार्मर्स जला देते हैं। मैं उन्हीं फार्मर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये मत जलाई, इसको आप अपने यूरिया की तरह यूज़ कर सकते हो। इसको मतलब एक मशीन आती है, उसमें डाल के इसको यूरिया की तरह मतलब डिकम्पोज कर सकते हो, और यह आपको इसमें थोड़ी दवाई ववाई डाल के आपको ये यूरिया की तरह यूज़फुल होगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और आप भी सोचेंगे इसने बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट दिया। तो गाइस, अभी बजे 7 PM और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।